साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। आज हम बात करेंगे भाई क्वारंटाइन से रिलेटेड। आपको पता है यानी 25 मई से यानी आज से गवर्नमेंट, आपको पता है साथियों इंडिया में डोमेस्टिक फ्लाइट भी स्टार्ट हो रही है, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों एक साथ ही स्टार्ट हो रही है 25 मई से। तो इसमें कुछ गवर्नमेंट ने फेर बदलाव किए हैं क्वारंटाइन से रिलेटेड। और भाई आपको, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, तो मैंने बहुत पहले ही आपको बता दिया था कि जैसे जैसे टाइम निकलेगा जो लोग बाद में आएंगे ये मान लीजिए उनके लिए सहूलियत भी रहेगी, गवर्नमेंट कुछ फ़ायदा भी करेगी। और फ़ायदा करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा फ्लाइट हैं। दुबई के लिए 50 फ्लाइटें स्टार्ट करी हैं, वो भी मैं वीडियो बनाऊंगा इसके बाद। नेक्स्ट ये सुबह 7 बजे आएगा, वो 10 बजे वीडियो डाल दूंगा, तो वो भी आप देख लीजिएगा कौन सी फ्लाइट कहाँ कहाँ के लिए है। आज हम बात करेंगे क्वारंटाइन से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, गवर्नमेंट ने बहुत बड़े बदलाव किए हैं। 11 बिंदु मैंने मोबाइल में नोट करे हैं, 11 बिंदुओं पर हम बात करेंगे। तो मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ, आप सुन लीजिए, क्योंकि आप इंडिया आओगे तो भाई आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये पॉइंट याद रखना। साथियों पहले का तो आपको पता ही है भाई, एक शपथ पत्र आपसे भरवाया जाएगा, उसमें ये आपसे शपथ ली जाएगी कि 14 दिन आपको अलग यानी अलग रहना पड़ेगा, क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। समझ लीजिए आप बात को। अब इसमें मैं बता दूं कि गवर्नमेंट ने 14 दिन से घटा के 7 दिन कर दिया है। ये बहुत बड़ा गरीब लोगों के लिए बेनिफिट होगा साथियों कि 7 दिन यानी कहाँ 10,000-20,000 खर्चा हो रहा तो आधा खर्चा हो जाएगा। 7 दिन तो आदमी एडजस्ट कर लेता है यार, कैसे भी कर आके, एक दिन आके एक दिन खाना खा के भी निकाल देता है। तो 7 दिन आपको रहना पड़ेगा, लेकिन 7 दिन आपको घर पर रहना पड़ेगा, ये आपको लिखित में शपथ पत्र में देना पड़ेगा। और भाई फिर आपको इसकी पूरी गारंटी के साथ ये समझ लीजिए। तो 14 दिन से 7 दिन करती है, 7 दिन आपको सरकारी जो हॉस्पिटल में या होटल में, 7 दिन आपको घर पे। बहुत बड़ी न्यूज़ मैं बता दूं आपको कि उन लोगों को नहीं भी रहना पड़ेगा, बहुत सारी कंडीशन इसमें दी गई हैं। अगर ये कंडीशन आपके ऊपर लागू होती हैं तो आपको एक दिन भी क्वारंटाइन रहने की जरूरत नहीं है, सीधा एयरपोर्ट से घर जा सकते हो। कौन कौन सी कंडीशन है देख लीजिए। अगर आपके ऊपर कोई संकट आया हुआ है, जी हाँ साथियों, अगर आपके ऊपर कोई संकट आया हुआ है तो आप 14 दिन के लिए सीधा घर जाओगे, आपको वो कारण आपको उल्लेख करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। अब महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, जैसे प्रेग्नेंट महिलाएं, उनको रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, एयरपोर्ट से सीधा घर पहुंच जाएंगी वो। पहले 14 दिन था, यानी आज 24 मई तक 14 दिन रहना ही पड़ता था सबको, लेकिन ये रूल 25 मई से चेंज हो गए हैं। परिवार में अगर आपके मौत हो गई है, आपके परिवार में मौत हो गई है, तो भाई आप सीधा एयरपोर्ट से जा सकते हो, कोई रोकने वाली, कोई गंभीर बीमारी अगर आपको है, 10 साल मान लीजिए आपके आपके पास बच्चे हैं, आप माता पिता बाहर रहते हैं और आप विथ फैमिली वाले बहुत सारे बंदे हैं, तो उनके लिए बता दूं कि 10 साल तक का आपके साथ बच्चा है तो आपको सीधा घर जाने दिया जाएगा, आपको रोकने की 14 दिन जरूरत नहीं है, घर पर आपको अलग अलग रहना पड़ेगा 14 दिन, ये गारंटेड बात है, शपथ पत्र में लिखवाया जाएगा। ये जो 5-6 कंडीशन बताई है इन लोगों के लिए 14 दिन की अनिवार्य सीमा खत्म कर दी गई है, डायरेक्ट घर पहुंच जाएंगे। आगे सुन लीजिए कि मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है, वो आप कर लीजिए भाई इंडिया पहुंचने से पहले पहले। सभी यात्रियों के अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड गवर्नमेंट की तरफ से करवाए जाएंगे और आपको बताया जाएगा कि इस तरह से करने से ये बेनिफिट होंगे। ये गवर्नमेंट की तरफ से एक अभियान चलाया जाएगा। विमान में, जहाज में स्क्रीनिंग बिना लक्षणों वालों को अनुमति नहीं दी जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि आपको स्क्रीनिंग की जाएगी, जांच की जाएगी, अगर आपके कोई लक्षण पाए जाते हैं बीमारी से संबंधित, कोरोना से रिलेटेड, तो आपको यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी, आपको वहीं रोक लिया जाएगा। हवाई अड्डे पर आपके साथ विमानों में साफ सफाई छिड़काव, सोशल डिस्टेंसिंग, ये आपको रखना पड़ेगा। साफ सफाई छिड़काव ये बढ़िया, मतलब बड़े स्तर पे ये रखा जाएगा ताकि बीमारी कम से कम फैले। सोशल डिस्टेंसिंग का आपको खास तौर से ध्यान रखना पड़ेगा, एयरपोर्ट पे रखना पड़ेगा, प्लस हवाई जहाज में जिस सफर कर रहे हो वहाँ पर भी यथासंभव कोशिश करके आपको सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है, ये नियम है। आगे 9 नंबर पे बात करेंगे साथियों, मास्क अनिवार्य रूप से होना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए, हाथ आपको धोने बार बार, दोबारा थर्मल, यानी आप जैसे वहाँ से निकल गए और इंडिया एयरपोर्ट पहुँच गए, वहाँ से आप दोबारा निकल रहे हो तो भी आपको थर्मल स्क्रीनिंग होगी, और जब आपके 7 दिन से बाद आओगे तो भी आपकी जाँच हो सकती है कहीं पर भी। मान लीजिए आप दिल्ली से आ रहे हो राजस्थान, तो रास्ते में कहीं पर भी आपकी जाँच हो सकती है, या राजस्थान सरकार भी आपकी अलग से जाँच कर सकती है, ये केंद्र सरकार ने बोला है। उस दौरान जाँच के दौरान एयरपोर्ट पे जांच दोबारा होगी, उसके दौरान अगर कोई लक्षण पाया जाता है तो सीधा आपको साथियों को हॉस्पिटल ले जाया जाएगा क्वारंटाइन के लिए 14 दिन के लिए। वो आपको कोरोना से रिलेटेड अगर कोई अपडेट आता है तो की बात है ये। मैं 11 नंबर पे बात करेंगे साथियों कि गवर्नमेंट ने आपको बता दिया कि भाई 7 दिन रहना पड़ेगा और बहुत सारी जो कंडीशन है उसमें रहने की जरूरत भी नहीं है। तो 7 दिन से 14 दिन से 7 दिन,
यानी ठीक है, और बाकी बहुत सारे रीजन मैंने बताए उसमें रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें राज्य सरकार भी फैसला छोड़ा है कि वो आगे उनकी मर्जी है, वो उनको 14 दिन रखे, 7 दिन रखे या बिल्कुल नहीं रखे, वो जाने उनका काम जाने, लेकिन ये केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से फाइनल कर दिया 25 मई से लेकर आगे तक जो भी फ्लाइटें होंगी उसमें यही नियम लागू होंगे। तो आपके लिए बहुत बेस्ट न्यूज़ है साथियों, ये है अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट आएंगी उनके लिए, और राष्ट्रीयों के लिए अलग से हैं तो उनका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो अगर आप भाई वो हैं तो आप वो भी देख लीजिए ताकि आपके काम का वीडियो हो सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।